हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। सो स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग के साथ में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, ये ब्लू कलर के कंटेनर में आता है। एक राउंड कंटेनर है, बहुत स्लीक सा कंटेनर है ये, और ये प्लास्टिक कंटेनर है। पूरा ही कंटेनर ये प्लास्टिक का है। इस तरह से आप इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसको क्लोज करने में कभी आपको। इस तरह की पैकेजिंग है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। तो ये 147 ग्राम प्रोडक्ट है गाइस, और ये 299 रुपीज़ में आया है। 299 इसकी MRP है। इससे एक छोटा पैकेजिंग भी आता है इनका, जो 149 रुपीज़ में आता है। वो पैकेजिंग भी कभी कभी डिस्काउंट में रहता है। ये वाला भी मैंने 239 रुपीज़ में परचेज किया था नायका की ही वेबसाइट से। इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की। तो इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है ये यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी सी इंग्रेडिएंट लिस्ट दी हुई है, मगर जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन्होंने के फ्रंट पेज पे ही अपडेट किए हुए हैं। हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई। तो अब थोड़ा सा साइंस में चले जाते हैं और चेकआउट करते हैं हाइलुरोनिक एसिड होता क्या है। सो गाइस, ये हाइलुरोनिक एसिड एक शुगर मॉलिक्यूल होता है जो ऑलरेडी हमारी स्किन में अवेलेबल होता है, जिसका काम होता है हमारी स्किन में वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करना या उसको रिटेन करना। वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर कंटेंट को रिटेन करने का काम होता है, जिसकी वजह से स्किन हाइड्रेटेड लगती है, ड्यू लगती है, ड्राई आउट नहीं होती। वो सारे काम हाइलुरोनिक एसिड करता है और वही इंग्रेडिएंट इसमें अवेलेबल है। दूसरा विटामिन ई है। तो विटामिन ई हम सब जानते हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। सारी ही स्किन केयर ब्रांड्स में 99% आई थिंक कि अवेलेबल होता है विटामिन ई। सो विटामिन ई जो होता है वो एक तरह का एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो सारे फ्री रेडिकल्स को हमारी स्किन से रिमूव आउट करता है और सन डैमेज से भी हमारे स्किन को बचाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब विटामिन ई तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है हमारे स्किन के लिए। तो ये दो ही मेन इंग्रेडिएंट्स इनके इसमें अवेलेबल हैं, मतलब इसी से बना हुआ है ये। और इस तरह का इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। मैंने ये काफ़ी यूज़ किया हुआ है, ख़त्म ही होने वाला है। मैं आपको इसका टेक्सचर अपडेट करा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह के ब्लू वाइट कलर के टेक्सचर में ये आता है और ये बहुत ईजिली स्किन में अब्सॉर्ब जाता है। बहुत लाइट है ये स्किन पे, बहुत ईजिली सेकंड्स में आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा और एक प्यारा सा शीन आपकी स्किन को देगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये और ये बहुत लाइट है स्किन पे, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। बिल्कुल हैवी मॉइस्चराइजर आपको नहीं लगेगा, बहुत ही लाइट रहेगा स्किन पे और बहुत ईजिली एब्जॉर्ब होने के बाद में आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने स्किन पे कुछ भी अप्लाई किया हुआ है, कुछ भी लगाया हुआ है। बहुत लाइट रहेगा ये। रिकमेंड मैं करूँगी गाइस ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन के लोगों को। ड्राई स्किन के लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे बिकॉज बहुत लाइट मॉइस्चराइजर है ये, बट कॉम्बिनेशन ऑयली और नॉर्मल स्किन पीपल के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है मुझे। और इसके साथ में आप अपना कोई भी सेकेंड सीरम मिक्स करके भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको अपने विटामिन सी सीरम के साथ में यूज़ करती हूँ, उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये प्रोडक्ट, आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं जो भी लोग एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं। सो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।